हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। पाटलिपुत्र किस शहर का प्राचीन नाम था? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के खिलाफ याचिका खारिज, 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। जी हाँ, केरल हाईकोर्ट ने कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका को तुच्छ, राजनीति से प्रेरित और प्रचार हित बताते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का होता है और सभी नागरिकों को इस पद पर गर्व होना चाहिए। सूचना का अधिकार यानी RTI कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई इस याचिका में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि जब लोग प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, ऐसे में सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के अनुसार सर्टिफिकेट एक निजी रिकॉर्ड है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी होती है और इसलिए एक व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करना अनुचित है। याचिकाकर्ता की दलीलों के बावजूद हाईकोर्ट को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर में कोई दिक्कत नहीं लगी और उसने याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि कोई नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का है या भाजपा का या किसी और राजनीतिक पार्टी का प्रधानमंत्री है। संविधान के अनुसार चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है और हर नागरिक को इस पद पर गर्व होना चाहिए। HUL ने प्रोडक्ट की बढ़ाई कीमतें, रिन, लाइफबॉय, लक्स और सर्फ एक्सेल हुए महंगे, 7 से 10% बढ़े दाम। जी हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। इनमें रिन, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय और अन्य शामिल हैं। इनके दाम में 7 से 10% की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी ने बताया कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसमें टिकिया और पाउडर भी है। लाइफबॉय के मल्टी पैक की कीमत 115 रुपए से बढ़ाकर 124 रुपए कर दी गई है, जबकि लक्स मल्टी पैक की कीमत 140 से 150 रुपए कर दी गई है। एक लक्स साबुन की कीमत भी इसी तरह से 28 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दी गई है। डिटर्जेंट बार की बात करें तो सर्फ एक्सेल की कीमत 108 रुपए कर दी गई है, पहले ये 98 रुपए की थी। इसके सिंगल टिकिया की कीमत 16 रुपए से बढ़ाकर 18 रुपए हो गई है। नवंबर में व्हील के 1 किलो के पैकेट की कीमत 3.5% या 2 रुपए बढ़ाई गई थी। इसके आधा किलो पैक की कीमत भी 2 रुपए बढ़ाकर 28 से 30 रुपए कर दी गई थी। अब तुरंत आ जाएगा ओमिक्रॉन का रिजल्ट, ICMR ने तैयार की मशीन। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच एक राहत भरी खबर आई है। ये खबर उनके लिए राहत भरी हो सकती है जो सफर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता घंटों में लग सकता है। अब तक लोगों के सैंपल लेकर उसे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता था जिसकी रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगता था, लेकिन असम के डिब्रूगढ़ में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ने एक ऐसी किट बनाई है जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता तुरंत लगा सकती है। यह खबर उन यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत भरी हो सकती है जिन्हें नए वेरिएंट के जांच को लेकर एयरपोर्ट पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ICMR डिब्रूगढ़ की टीम 24 नवंबर से इस किट पर काम कर रही थी। उन्होंने कोरोना रोगियों के 1000 से ज्यादा सैंपल का परीक्षण किया है, जिनमें कुछ दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं जिनमें ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट मिला था। PM मोदी ने कहा, बेटियों को बराबर का अवसर मिले इसलिए उनकी शादी की उम्र 21 साल की जा रही है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बेटियां भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे बढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों की शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। PM मोदी ने कहा कि UP सरकार ने बैंक सखियों के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार गाँव में रहने वाली मेरी बहने बेटियां कर रही हैं। बूस्टर डोज के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए तैयार भारत बायोटेक, नाक से दी जाएगी वैक्सीन।
जी हां, भारत बायोटेक ने भारत के औषधि नियामक से नाक के जरिए दिए जाने वाले कोविड रोधी टीके के तीसरे चरण के अध्ययन के लिए इजाजत मांगी है। कंपनी ने पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों को बूस्टर खुराक के तौर पर इस टीके का अध्ययन करने के लिए अनुमति मांगी है। भारत ने हैदराबाद स्थित कंपनी द्वारा विकसित किए गए नाक से दिए जाने वाले टीके BBV154 के उपयोग को अब तक मंजूरी नहीं दी है। इसी बीच भारत के औषधि महानियंत्रक ने कंपनी द्वारा उत्पादित किए जा रहे कोवैक्सीन टीके के उपयोग को निर्माण से 12 महीने की अवधि तक इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। हैदराबाद में सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने DCGI को आवेदन दिया है और उसकी मंजूरी का इंतजार कर रही है। नाक से दिया जाने वाला ये टीका उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पहले से ही टीकों की दोनों खुराकें ले ली हैं। अब ऐप के जरिए जल्द देख पाएंगे लोकसभा की कार्यवाही, लोकसभा अध्यक्ष ने की इसकी घोषणा। जी हां, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने एक मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किए जाने की घोषणा की, जिस पर सदन की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के साथ साथ दैनिक कामकाज से जुड़े हुए दस्तावेज देखे जा सकते हैं। निचले सदन में बिरला ने सदस्यों से कहा कि आपके सुलभ उपयोग के लिए एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसके माध्यम से आप मोबाइल फोन या टैबलेट में संसद की कार्यवाही के प्रसारण के साथ साथ संसदीय पत्रों एवं महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेजों को भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप के माध्यम से संसदीय कार्यों से संबंधित सामग्रियों, विशेष रूप से आज के पत्र, कार्यवाही का सीधा प्रसारण, प्रश्न उत्तर, चर्चा, बुलेटिन भाग एक और बुलेटिन भाग दो, समितियों के कामकाज आदि का अवलोकन किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से कहा कि ये ऐप बेहद ही उपयोगी रहेगा, सदस्य इसे डाउनलोड करें ताकि वे अपने अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को इस तरह का आचरण दिखा सकें। फोन टैपिंग मामले में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। जी हां, फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया था। तो वहीं प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं से मैंने कहा था कि आप अपनी शक्ति पहचानो, आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री झुक रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा 5 सालों में क्यों नहीं की, चुनाव से पहले ही क्यों कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर पर लिखा कि यूपी की महिलाओं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने झुक गए, मगर अभी तो पत्ता हिला है, महिला शक्ति का तूफान आने वाला है, बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी। WHO ने कहा डेल्टा से भी तेजी से फैलने वाला वेरियंट है ओमिक्रॉन, वैक्सीन लगवा चुके लोग भी हो रहे हैं इससे संक्रमित। जी हां, दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। इसी बीच WHO ने जानकारी देते हुए बताया कि दुनिया के ज्यादातर देशों में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। WHO चीफ डॉक्टर ट्रेडोस अदनोम ग्रेबियसिस का कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। WHO चीफ का कहना है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले काफी तेजी से फैल रहा है और कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगवा चुके लोगों को भी ये संक्रमित कर रहा है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को भी ओमिक्रॉन अपना शिकार बना रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र से संबंधित बिल लोकसभा में पेश, जानिए कब से अमल में आएगा ये कानून। जी हां, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित बाल विवाह निषेध संशोधन बिल 2021 लोकसभा में पेश किया। इस बिल में महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव है। उन्होंने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थायी समिति को भेजना चाहती है। इसके साथ ये भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 2 साल बाद अमल में लाया जाएगा। बिल पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि बिल में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंजूरी के 2 साल बाद अमल में आएंगे। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों और जातियों पर ये कानून लागू होगा, इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा।
मॉडर्ना ने अपनी बूस्टर खुराक को बताया ओमिक्रॉन के खिलाफ प्रभावी, 37 से 80 गुना अधिक एंटीबॉडीज बनाई। जी हां, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया कि उसकी एमआरएनए कोविड वैक्सीन की बूस्टर खुराक कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। लैब में किए गए टेस्ट के आधार पर कंपनी ने ये बात कही है। कंपनी ने ओमिक्रॉन के खिलाफ मौजूद वैक्सीन का इस्तेमाल करने की बात कही, हालांकि वह भविष्य में उपयोग के लिए इस वेरिएंट के खिलाफ एक अलग वैक्सीन भी बना रही है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि उसकी वैक्सीन की दो खुराकों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कम संख्या में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा की हैं, लेकिन 50 माइक्रोग्राम की बूस्टर खुराक ने वेरिएंट के खिलाफ 37 गुना अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा की। 100 माइक्रोग्राम की बूस्टर खुराक देने पर एंटीबॉडीज का स्तर और भी बढ़ गया और 80 गुना अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा हुई हैं। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के खून की टेस्टिंग करके ये नतीजे निकाले गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर बड़ा अपडेट, जानिए इस दिन किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। जी हां, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 10वीं किस्त का इंतजार है। जल्दी ही किसानों के खातों में अगली किस्त भेजी जाएगी। अब तक किसानों के खाते में इस योजना की 9 किस्त पहुंच चुकी है। सरकार ने 10वीं किस्त जारी करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। 31 दिसंबर से पहले किसानों को किस्त मिलने की संभावना जताई जा रही है। आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो नई लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सालाना 6,000 रुपए उनके बैंक के खाते में सीधे भेजती है। अब तक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9 किस्तों का पैसा आ चुका है। अब अगली बार यानी 10वीं किस्त का पैसा आने वाला है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात संभव है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की छिटपुट बारिश संभव है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में छिटपुट बारिश संभव है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ने की उम्मीद है, जिससे भीषण शीतलहर में कमी आएगी। अगले 2 से 3 दिनों में शीतलहर की स्थिति में भी फीकी पड़ सकती है। आज का सुविचार, हिल्टन होटल चेन के फाउंडर कॉनराड हिल्टन ने कहा था, कामयाबी हमारे कर्म से जुड़ी होती है। कामयाब लोग चलना जारी रखते हैं, वे गलतियां करते हैं लेकिन हार नहीं मानते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।